Assalamualaikum. My name is Sohela Bora and I have recently joined Kazim Trust as a remedial therapist. मेरा काम उन बच्चों के साथ है जिनको किसी भी फॉर्म ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, जिसमें ADHD, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ये सब आ जाता है. हम इनके साथ मोस्टली मल्टी सेंसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मतलब मोर देन वन सेंस का इस्तेमाल किया जाता है इनको पढ़ाने में. ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली होता क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई बिगनर आया हो, बिल्कुल छोटी उम्र का बच्चा आया हो और हम उसे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डिवेलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके, तो हम डायरेक्ट उसको राइटिंग पे लाने से पहले उसके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करते हैं. फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आपने उसे एक बड़े साइज का टोंग दे दिया, इससे कुछ उठाया. एक डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं. थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जो कि एक ट्वीज़र को हैंडल कर सकता है, तो ट्वीज़र से उससे कुछ चीज़ उठवाए, जस्ट टू डिवेलप द फाइन मोटर स्किल्स. इस तरह की बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं. ये एक एग्जाम्पल था. एक दूसरा एग्जाम्पल पेगिंग है. सिंपल पेगिंग से बहुत से बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं. वंस वी फील दैट द चाइल्ड इज़ गुड इनफ कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स ठीक हैं, फिर हम उन्हें पेंसिल की तरफ लाते हैं और फिर पेंसिल से लिखवाना स्टार्ट करते हैं. अच्छा, राइटिंग में डिफरेंट तरह का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटे बच्चे हुए तो उनको लेटर से स्टार्ट करके फिर स्लोली स्लोली हम ब्लेंडिंग पर लेकर आते हैं, थ्री लेटर वर्ड्स. फिर हम एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फ्रेज से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, देन स्लोली स्लोली हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर आते हैं, हम पैराग्राफ पर आते हैं, हम पेजेस पर आते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग कराया जाता है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है. बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके इसको हम आगे एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं. सिमिलरली अगर रीडिंग की बात हो जाए तो बच्चे को बिल्कुल बिगिनिंग साउंड से स्टार्ट कराते हैं. लेटर साउंड्स, कॉन्सनेंट्स, वावल साउंड्स से स्टार्ट कराया जाता है. उसमें भी हर तरह की टेक्निक यूज़ होती है. बहुत छोटा बच्चा हो तो हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ बुक से पढ़ा के या सिर्फ फ्लैश कार्ड से दिखा के सिखाया ना जाए, बल्कि हम उनको बहुत गेम फॉर्म में सिखाते हैं. डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ तैयार करते हैं जिनके थ्रू हम उनको सिखाते हैं. इसी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ लेता है, तो बजाय कि उसको कैट मैट सैट एक बुक में से पढ़ाया, हमने एक सिंपल सा बोर्ड गेम बना लिया. ये एक बोर्ड गेम बनाया जिसमें कैट मैट फैट सैट हर चीज़ है, और हमने थेरेपिस्ट और बच्चा मिलकर ये एक गेम खेल रहा है, तो बच्चे को लग नहीं रहा कि वो पढ़ रहा है. द चाइल्ड थिंक्स दैट ही इज़ एक्चुअली प्लेइंग एंजॉयिंग, बट वो साथ साथ हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है. स्पेशली ADHD किड्स, जिनको बिठाना बहुत मुश्किल होता है एक जगह, उनके लिए ये बहुत बहुत ईजी वे हो जाता है उनको पढ़ाने का. अब अगर हम स्पेलिंग्स पर आते हैं, तो स्पेलिंग कराना, बिल्कुल बिगनिंग स्पेलिंग से स्टार्ट करना, उसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं. डायरेक्ट बच्चे को, जो बच्चा नहीं लिख रहा हो या वो इंटरेस्ट ना ले रहा हो लिखने में, उसको डायरेक्ट पेपर पे लिखवाने के बजाय हम फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है कि मैंने पॉप्सिकल स्टिक पर द लिखा और मैं बच्चे को द की स्पेलिंग करा रही हूँ. तो मैंने इसमें पेगिंग, इसमें फाइन मोटर की भी उसके साथ साथ स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, प्लस वो स्पेलिंग भी सीख रहा है THE द. तो ये एक तरह से गेम वे में उसको सिखाया जाता है. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं. इसके अलावा हम बहुत से गेम्स खुद बनाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी बनाते हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व रहे, वो स्पेलिंग सीखे. प्लेडोस का बहुत इस्तेमाल होता है. प्लेडो फाइन मोटर स्किल्स में भी बच्चे को हेल्प करती हैं, प्लस साथ साथ लेटर फॉर्मेशन, लेटर फॉर्म करना प्लेडो से कराया. फिर इसके अलावा भी बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. लुक कवर चेक वाली टेक्निक होती है कि बच्चे ने खुद एक स्पेलिंग लिखा, फिर उसको पहले देखा, उसको कवर किया, फिर उसको लिखा अपने पास, हटा के चेक किया कि ठीक लिखा है कि नहीं. ये एक दीज ऑल डिफरेंट टेक्निक्स, वो सब बच्चे को सिखाया जाता है स्लोली स्लोली. हर जिस बच्चे पे जो टेक्निक, हर बच्चे पे हर टेक्निक नहीं भी चलता, बट जिस बच्चे पे जो टेक्निक चल जाए हम उसी टेक्निक के थ्रू उनको सिखाते हैं. हमारा मेन पर्पस, मेन गोल ये होता है कि बच्चे का, क्योंकि ऐसे बच्चों में मोस्टली शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी थोड़ी सी स्लो होती है, जिसको हम डिवेलप करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर आपकी स्ट्रांग हो जाए तो चीज़ें याद रहती हैं दिमाग में, इन्फॉर्मेशन रिटेन रहता है. जो हमारा पर्पस है कि इन्फॉर्मेशन जो हम सिखा रहे हैं वो रिटेन भी रहे, तो उसके लिए भी साथ साथ एक्सरसाइजेज होती हैं. छोटे छोटे गेम्स खेले जाते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी वर्क करते हैं.
और अल्टीमेटली गोल यही होता है कि वो जो पढ़ रहे हैं यहाँ से वो सीखें. जितना मल्टी सेंसरी होगा, जितने एक सेंस से ज़्यादा सेंसेस यूज, जैसे किनेस्थेटिक भी यूज़ हो रहा है, हम टच फील करा के चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको सिखाते हैं, उससे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इनकी इनकी दिमाग में रहती हैं और मेमोराइज हो जाती हैं इनको चीज़ें. स्लोली स्लोली ये इनको हेल्प करती हैं इन देयर स्टडीज़, इन रीडिंग, राइटिंग एंड एवरीथिंग. I hope you've understood ki exactly what we do with the child, and hamare paas online remediation bhi hai filhal because due to lockdown. In case anybody is interested, you can contact us, and numbers aapko hamare website pe bhi mil jayenge, Facebook ke page pe bhi mil jayenge. Koi bhi questions ho remediation se related, you can ask me. Aap niche us pe apne comments bhi chhod sakte hain ya hame message kar sakte hain ya hame direct call kar sakte hain. Thank you.